जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, जहाँ रहे खुशी आपकी दुआ से। हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो आप मुझे देख रहे हैं आज बुरखा पहनते हुए, क्योंकि बुरखा पहन के आज मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ आज हॉस्पिटल हानि की दवाई लेने, ठीक है, क्योंकि उसके रास्ते और था बहुत ज़्यादा बुखार, उसके गले में बहुत दर्द होता है, इसलिए हमने आज को स्कूल भी नहीं भेजा क्योंकि वो पूरी रात सोई नहीं है। ठीक है, मैं जाती हूँ उसकी दवाई लेने हॉस्पिटल, क्योंकि 10:30 बजे तक डॉक्टर आते हैं। तो चलिए, अगर वो ऐसे बीमार है तो फिर घर में भी 1-2 दिन के बाद फंक्शन होने वाला है, तो अच्छा नहीं लगेगा, वो बीमार होगी तो ये तो दिनों तो इन्जॉय करने के बच्चों के। तो अभी मुझे बाजार भी जाना था, तो वापसी भी देखूंगी अगर बाज़ार लगा होगा, लगा होगा बुध बाज़ार लगा होता है हमारे, तो वहाँ से हानि की मुझे सैंडल भी लेनी है और अपनी भी लेनी है ना मुझे, और कुछ छोटा मोटा सामान भी लेना है। तो पहले चलते हैं हॉस्पिटल, हानि को दिलाते हैं दवाई, तो फिर उसके बाद आके आपसे मिलेंगे। और जो हमारी वीडियो पर नए हैं, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ठीक है। और बेबी जो है मेरा, वो मुझे खड़ा देख रहा है, ये देख, बेबी मुझे कह रहा है मुझे पहनाओ चप्पल, और क्योंकि बेबी जा रहा है मम्मा के साथ, है ना। हाँ, हम जा रहे हैं हनी की दवाई लेने, उस लोग आते हैं उसको इंजेक्शन, तो फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बोलो। हनिया खड़ी है यहाँ पर, अपनी पर्ची का इंतजार कर लिए, दवाई ले ली है मैंने, सही है। और रश देखो कितना लगा हुआ है, और अंदर यहाँ तो कम है, अंदर के अंदर ज़्यादा रश लगा हुआ है, लेकिन हमने दवाई ले ली है, ऐसे ये गोलियाँ लिखे दे दी हैं और शरबत अभी बाहर से लिखे दिए। देखो हम लेके आ गए हैं दवाई, ठीक है, ये वाली दवाई भी ली है इसको, और ये तो पैनडोली हो गई है, एक इसके पैरों में दर्द था वो है, बाकी इसकी पर्ची दवाई वगैरह की। अभी अभी हम लोग आए हैं और वहाँ से मैंने चने लिए हैं, और मैंने दोपहर पकाने के लिए खोलो उसको हानिया, हाँ भिंडी ली है मैंने, और एक खीरा डलवाया था उसके अंदर, ये पकाएंगे दोपहर में क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 12 बजने वाले हो गए, बहुत देर लग गई बाज़ार वहाँ पे। और बेबी बैठा है, बेबी लेके आया चने, इनको लग रही भूख, तो मैंने कहा इनको खिला देती हूँ चने, तो ये चने लेके दिए थे मैंने इनको, मसाला नहीं डाला, चटनी बहुत तेज़ है, तो मैं इनको खिला दूँ, फिर उसके बाद दवाई पिला के फिर मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना, ठीक है। बाज़ार हम लोग गए थे लेकिन बाज़ार में कुछ भी नहीं मिला क्योंकि बाज़ार अभी लगा ही नहीं था। बेबी तो सो गया, तो मैंने फटाफट से सामान निकाल लिया, भिंडी को धो के मैंने धूप में रख दिया था, देखो कितनी अच्छी खुश्क हो गई, टमाटर भी धो लिए थे, हरी मिर्ची भी, ठीक है। और चाय बनाई अपने लिए मैंने, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, घर का काम किया, फिर दवाई दिलाने गई, फिर वहाँ से बाज़ार गई, बाज़ार जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बाज़ार अभी लगा भी नहीं था। तो ये जगह हानि की सैंडल पसंद आई थी, तो 550 रुपये की चप्पल दे रहा था, बताओ 550 की, तो कहाँ 250-300 तक की आती थी, अब 550 की दी है, लेकिन मैंने नहीं ली, मुझे पसंद भी नहीं थी, ठीक है। शाम को एक दफ़ा दोबारा चक्कर लगाऊंगी इनके पापा के साथ, जब तक सही बाज़ार लग जाएगा, ठीक है। और मेरी छाबी भी तरह से टूटने लग गई है, चलो बाद में सब सामान लेंगे जो टूट गया, ठीक है। मैं बना लेती पहले भिंडी, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, सैफ उमर जो है वो दोनों गए अपनी ताई के घर पर नीचे, और मैंने यहाँ पर भी घी वगैरह डाल दिया इसके अंदर, प्याज काट के डालती हूँ, प्याज हल्की आँच पर हल्की हल्की से भुन होंगी, जब से मैं फटाफट से भिंडी काट लेती हूँ, ठीक है, ऐसे हमारे साथ बने रहें। और प्याज को देखो मैंने रख दिया, हल्का हल्का सो रही है, और यहाँ पे मैंने भिंडी भी काट ली है, टमाटर भी, हरी मिर्ची, नमक, हल्दी और मिर्ची, मैं एक ही जगह सारा मसाला तैयार कर लेती हूँ, अलग अलग नहीं डालती हूँ, एक जगह ये मसाला तैयार हुआ है, बस इसको हल्का सा करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं करूँगी, फिर हमारी भिंडी ना ब्लैक ब्लैक सी हो जाएगी। और अभी रह गया खीरा, इसको भी मैं काट लूँगी धो के, ठीक है, बाकी ऐसे हल्की सी हो गई है ना, अब इसमें हम डाल देते हैं अपनी ये भिंडी, ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, डाल देते हैं, बच्चे बहुत नखरे करते हैं मेरे बच्चे, तो खासकर से खाने के मामले में बहुत नखरे करते हैं। अब ये भिंडी पकी है ना, तो बाज़ार से लाला के बिरयानी खाएंगे और ये भिंडी नहीं खाएंगे, क्योंकि तो बिरयानी का बोल के कहते हैं बिरयानी पकाओ, लेकिन टाइम ही नहीं था, अभी तो मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, आगे फिर मैं पकाने का लेके आती बिरयानी, आपको पता कितना टाइम होता है, और 12:30 बजे आके वो लोग खाना मांग लेती हैं, ठीक है, क्योंकि उसका नाश्ता भी करके नहीं जाती है, सिर्फ एक बिस्किट खा के जाती हैं चाय के साथ, बस फिर हो गया, हल्के आँच पर ढक के मैं पकाती हूँ, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये मैंने इसको कवर कर दिया, और कुछ भी नहीं, सिर्फ डाल के ग्रीस करके और दम पे लगा देते हैं, ठीक है, जब ये तैयार होती फिर मैं दिखाती हूँ। ये भिंडी, वाओ माशाल्लाह से, हमारी भिंडी हो गई है तैयार, ठीक है, कितनी जल्दी तैयार हो जाती है ये, बस अभी हो गई, इसको चूल्हा करते हैं बंद, बस अब जब बच्चे रोटी बोलेंगे तो रोटी बना देते हैं, ठीक है। और बेबी जो सोया कमरे में, बेबी को मैंने यहाँ सुलाया हुआ, ठीक है, बेबी सो गया। चलो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ठीक है, अच्छी लगे तो लाजमी सब्सक्राइब किएगा, शेयर किएगा, ठीक है। और कल भी बहुत मज़े का वीडियो आने वाली है, तो मतलब कि कल हम लोग जाएंगे तो वहाँ की वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करें, उससे आप भी आगे बताए के घर से। चलो ठीक है, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।